दासिनी की व्याख्या कर दूं, धर्म प्रधान देश है, हम लोग कोई न कोई हर अपने इष्ट की आराधना करते हैं, परंतु उसमें कोई क्रियात्मक बदलाव नहीं आता। तो जो मंत्र दूंगा मैं आपको, वो राधा और कृष्ण का मंत्र है, उससे आपकी कुंडलिनी जाग जाएगी। हमारे योग में 5 प्रकार के वायु होते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। प्राणवायु जैसे प्राणायाम करवाते हैं स्वामी रामदेव जी, समझे ना। अपान वायु नाभि से नीचे की दिशा से उसको बाहर फेंकता है। अब जब तक अपान वायु ऊपर नहीं उठे तब तक कुंडलिनी ऊपर नहीं उठे जाएगी। अभी आप लोगों ने देखा हमारे वैज्ञानिकों में एक रॉकेट छोड़ा, वो चंद्रमा पे पहुंच गया, नीचे स्पार्क होता है, उसका धक्का लगता है। इस प्रकार वो नाम जपोगे तो फिर ताला बंद लग जाएगा मूलाधार में, अब वो अपन वायु नीचे नहीं जाएगा, वो ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। 3 बंद लगते हैं इसमें, 3 बंद लगते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको तो केवल मैं जो बताऊ नाम जपना है, और यहाँ शिव की 3री आंख देखिए आप, वो सबके और तेजाबिंदी लगाते, आप भी टीके लगाते हो। ये जब तक 10वां द्वार नहीं खुलेगा तब तक योग है मोक्ष है कुछ दोगे। हमारे योगियों ने इस शरीर को मोटे तौर से 2 भागों में बांटा, एक तो यहाँ से नीचे के 9 द्वार, आँख, कान, नाक, मुंह वगैरह वगैरह, और ये 3रा नेत्र जिसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं, ये अंदर खुलता है। ये प्रॉपर गुरु है। देखिए जी, आज जितने भी गुरु है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनका गुरु कोई नहीं। मैं भी आपकी तरह गृहस्थी आदमी हूं, परिस्थितियों बस मुझे भी बीमारी आ गई। तो हमारे एक मित्र थे श्रीराम दुबे, उन्होंने कहा कि आपको मार केस की दशा है, मार केस की दशा। मैंने कहा ये मार केस क्या होता है? उसने कहा जी ये तो मतलब मौत होती है, मौत का नाम मार केस। मैं दुबे सभी को आते, फिर मेरे को क्यों छोड़ेगी? वो कहने लगे जी हमारे इस विज्ञान में बचने के उपाय हैं। मैंने कहा क्या है? कहने लगे महामृत्युंजय का जप करो। वो बड़ा अजीब कर्मकांड था। मैंने कहा दुबे जी अपने से तो होगा नहीं, आने दो आपके मार्केस को। वो कहने लगे एक और उपाय है। मैंने कहा क्या है? गायत्री मंत्र, वो जप लूंगा। वो उनसे अक्टूबर 68 में मैंने आराधना की थी, 68 में, और 1 जनवरी को 1.25 लाख पूरे हो गए, सिद्धि हो गई। और आदतवश लेटा तो रहा तो ध्यान लग गया, क्या देखता हूँ कि मेरा ये सारा बॉडी जो है ना डिवाइन फॉर्म में बदल गई। हड्डियां तो दिखी नहीं, मतलब हार्ट और लीवर, तिल्ली, किडनी कुछ भी नहीं दिखे। मैं पहले प्रोफेशनल मेल नर्स था बीकानेर, फिर यहाँ जोधपुर ट्रांसफर कर दिया, वहाँ के नर्सेज रखा, तो मैं यहाँ जालब बावड़ी पर रहा कुछ दिन, फिर रेल की नौकरी गए, छोड़ के चले गए। तो मैंने कहा ये अंग कहाँ गए? दिखता तो बाहर है, ये अंदर दिख रहा। फिर अचानक एक भौंरे की गुंजन सुनाई दी पेट में, जैसे काला भौंरा होता, और नाभि से मतलब मैंने कंसंट्रेट किया तो नाभि से आवाज आ रही है और गायत्री मंत्र की आ रही है। तो ये एजपा शुरू हो गया। फिर भी करने कई पुष्करने लोग पता लगा तो वो तो पंडित है, कुछ नया है क्या? मैंने कहा ऐसा हुआ, कहने लगे हम कैसे वैसे तांत्रिक प्रयोग करो तो बहुत धन देंगे हमारे बारे में आपके साथ। अरे तो मैंने समझा कौन देगा पैसा इस युग में। फिर 2-3 बैच आए, उन्होंने जो डिटेल से बताया तो मेरे समझ में आ गया गड़बड़ तो हो गई, मुझे परिवर्तन आने लग गया, अंदर से महसूस हुआ। तो मैंने पंडित जी ये तो सोना दे लोहा लेने वाली बात है, मेरे बाग में नहीं लिखा आप जाओ। फिर एक सर्टिफिकेट दे के गए, ये जाट है, इसके अकल में नहीं आएगा।
तो भाई आज तक तो भगवान ने कितना साल हो गए, 69 से शुरू कर रहा हूँ और दे रहा हूँ, निःशुल्क दे रहा हूँ। फिर स्वामी विवेकानंद बीच में आ गए, उन्होंने कहा जी गुरु के बिना ये शरद पद पर नहीं चला जाता। ये दीक्षा गायत्री वाणी मेरे बिना गुरु के हुई थी, वो दुबे जी ने बताया वही गुरु थे। तो स्वामी जी ने कहा गुरु के बिना नहीं चलता, तो नाथ जी को गुरु बना लिया। इन्होंने जो दीक्षा दी उससे कृष्ण की शक्ति चेतन हो गई, कृष्ण सामने आ गए, उसका भी साक्षात्कार हो गया। तो इस प्रकार दोनों मतलब पक्ष जो है आज तक नहीं चेतन हुए। निर्गुण निराकारी हुआ है गायत्री का, और ऊपर उठते उठते मनुष्य यहाँ मोक्ष। और मूर्ति पूजा करने वाले, कृष्ण की पूजा करने वाले लोग भी ऊपर उठते उठते यहाँ पहुँचते हैं, कुंडलिनी यहाँ पहुँचने से मोक्ष हो जाती है। महर्षि अरविंद ने कहा कि कोई आदमी एक ही जन्म में ये दोनों सिद्धियां प्राप्त कर ले तो उसमें जो परिवर्तन आएगा वो एनलाइटेड हो जाएगा, उसका विश्व पूरा एनलाइटेड हो जाएगा उससे। अब उसका एक रिजल्ट आपका सामने आ रहा है कि मेरी तस्वीर से योग हो रहा है, खेचरी लग रही है। अब ये जो परिवर्तन आ रहा है आज तक नहीं आया। महर्षि अरविंद ने कहा कि जिसके लिए आपको एसेंड करना पड़ता था वो सत्ता, परम सत्ता जो है वो डिसेंड कर गई, इस फिजिकल बॉडी में आ गई, और ये जो जिसमें आ जाती है फिर उसकी तस्वीर से योग हो जाता है। मैं भारत सरकार को लिखा था, सरदार जी को लिखा था, लिस्ट भेजी थी कम से कम 300-400 आदमियों की, नेगेटिव और पॉजिटिव की। और अखबार में पहले जो कैलेंडर छपता है उसमें पहले पहले पेज में है एड्स और कैंसर क्योरेबल है, और भारत सरकार का कानून है ये बात जो कहेगा उसको 1 साल की सजा है। और मैं ये 69 से कह रहा हूँ, मेरे को सजा क्यों नहीं करी है? एक आदमी तिहाड़ जेल में समान की जगह नहीं क्या उनके पास? अगर वो देखते हैं कि 82 साल का बुढ़ा है, इसके खिलाफ एक्शन ले लिया तो हाईलाइट हो जाएगा, पड़ा रहने दो। मैंने कहा भाई मरना सभी को है, मगर मेरी तस्वीर नहीं मरेगी, तस्वीर से जो योग हो रहा है ये कभी नहीं मरेगी। अमेरिका में हजारों औरतें ध्यान कर रही है, और अपने हस्बैंड को कहते आप उस रूम में बैठो, इतने बज के इतने सेकंड में मेरी को आवाज दे देना, तो बेचारे 1-2 सेकंड लेट हो जाती है। तो फिर वो औरत कहती है जी आपने आवाज क्यों नहीं दी? तो आप जितना टाइम मांग करके बैठोगे करेक्ट उसी टाइम आपकी आंख खुल जाएगी, आप घड़ी सामने रख रहे घर करके देख रहे नहीं। तो इस प्रकार जो कुंडलिनी जागृत हो गया आपके अभी होगी। मैं नहीं कहना चाहता कौन गुरु क्या कहता है, अगर कहते हैं कि 20 साल तक जपो तो कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, मैं कहता हूँ 20 साल गुरु चला रहेंगे भी नहीं, इसकी क्या गारंटी भाई? तो भैया 20 साल का झांसा है, मैं तो कहता हूँ अब भी होगा, 15 मिनट ध्यान कराऊंगा, समझे? अच्छा मैंने आपको बताया ना 5 प्रकार के वायु होते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। अपान वायु नाभि से नीचे के डिस्टेंस से तुम्हारे फेंकता, जब तक वो बंदर नहीं लगेगा तो वायु ऊपर नहीं उठेगा, पहला बंदर लगेगा आपको मूलाधार में, अब भी लगेगा, और खास तौर से रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज होगी। जो ही नाभि से ऊपर उठी कुंडली, दूसरा बंद लग जाएगा उड़ियान बंद, फिर ऊपर उठते उठते इस कंठ के गड्ढे से ऊपर उठ जाएगी, तो उसमें एक परिवर्तन ऐसा आएगा कि साधु जो है आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, ये 5 तत्व जो है ना डायरेक्ट नेचर से लेता है, क्रूड फॉर्म में लेने की जरूरत नहीं। मेरे गुरुदेव 10 साल तक वो 3 टाइम चाय पीते थे, 2 घूंट 10 साल तक कुछ नहीं खाया, और शरीर में कोई बदलाव नहीं है, वो डायरेक्ट ले रहे थे ऊर्जा। यहाँ से जो ही ऊपर उठे तो तीसरा बंद लग जाएगा, यहाँ से ऊपर उठे फिर ध्यान लग जाएगा, समाधि लग जाएगी, समाधि लगे बिना कुछ भी मालूम नहीं होगा।
तो इस प्रकार जो योग होगा उससे आपके सारे शारीरिक रोग ठीक हो जाएंगे, गठिया, अस्थमा, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हीमोफीलिया ठीक हो गया। हीमोफीलिया ठीक हो गया नागौर के मेरे शिष्य के लड़के का, डॉक्टर एक अजीज अहमद सुलेमानी है, बीकानेर में गोल्ड मेडलिस्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है। उसने कहा ये तो नोबेल प्राइज का केस है गुरु जी। मैंने कहा आपके ये नोबेल प्राइज गुडनेस बीस मिले हैं, उनको कह दो एक अच्छा ही पॉजिटिव को नेगेटिव कर दे। यहाँ अरविंद माथुर है, मथुरा दास माथुर है, मेरा शिष्य हो, इस तरह से बैठ के दीक्षा ली उसने। जब लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब आप क्यों नहीं बोलते हो, तो कर रहे भाई सारे संसार के डॉक्टर से अलग कैसे बोलूंगा। फिर उन्होंने मुझे मैसेज किया खुद चला के, कहने गुरु जी बाहर घट गया बढ़िया, उसको तो हम पकड़ भी नहीं आएंगे, आप HIV वायरल लोड टेस्ट करवा लो, वो 50 से नीचे आ जाएगा तो दुनिया को मानना पड़ेगा। मुझे बेच रहा है वो मेरे शिष्य, अब तो 50 से क्या 0 से भी नीचे आ गया, अब ये चुप है। ज्यादा समस्या अमेरिका का, मैं 3 दफे गया, वो कहते हैं अगर इसके ध्यान तस्वीर के ध्यान से प्रचार हो गया पूरे पृथ्वी पर पूरे प्लेनेट पर और योग हो गया तो एड्स की जो दवाई हमने बना रखी है उसका क्या होगा। सबसे ज्यादा परेशानी मेरी बात से अमेरिका को है, समझा। मैंने उनका कहा मैं तुम्हारे नुकसान की बात नहीं करता हूँ, मैं तो मानव मात्र परिवर्तन की बात करता हूँ। अब उसमें आपका घाटा होता तो मैं इरादन तो नहीं करता है। अमेरिका गया 3 दफे, अमिताभ बच्चन का एक है चैनल बना हुआ है TV Asia करके, उसमें मेरा लाइव इंटरव्यू वो टेलीकास्ट हुआ, पूरे अमेरिका ने देखा उस। तो इस प्रकार ये शारीरिक रोग खत्म हो जाएंगे, वो मानसिक रोग भी खत्म हो जाते हैं। मानसिक तनाव से 80% बीमारियां पैदा होती है। और डॉक्टर्स के पास बेचारे के पास वो नशे की दवाई के अलावा उनके पास दो ही है, नशे की दवाई और एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक तो वो मतलब एक अमृत है मानते हो उसको एंटीबायोटिक। 80% बीमारियां नशे से ठीक नहीं होती, तो हम भी नशे भी करवाते हैं। डॉक्टर जो कराते हैं वो तो मैटर का कराता है, हम स्पिरिट का कराते हैं। राम के नाम में नशा होता है, राम के नाम में नशा होता है। हमारे ऋषियों ने उसको नाम कुमारी कहा है, नाम का नशा। नानक देव जी महाराज ने कहा भांग दतुर नानका उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये बात कबीरदास जी कहते हैं, नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल चिन चिन चट उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाया। भगवान ने उसको 5 श्लोक है उसमें अक्षय आनंद का है, अनंत आनंद का है, इंद्रिया अतीत आनंद का है, समझे। मगर जब तक नहीं समझेंगे, अब कार है बेटे पोते बंगला ये आनंद में, और एक कार नहीं खिस सकी तो आनंद में खिलर फड़ गई। तो ये आपको आनंद आपके अंदर से आएगा, बाहर से नहीं आएगा, समझे। जब पूरा ब्रह्मांड ही अंदर है। देखिए एक बार साफ समझ लो, मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, मैंने तो जो गुरु ने बताया है, मेरे गुरु ने इस शरीर को पढ़ने का तरीका बताया, किताब से मैंने कुछ नहीं सीखा। एक गीता जरूर खरीदी थी कृष्ण प्रकाश हो इसलिए, और उसके कारण से सारा परिवर्तन आ रहा है, नाम का नशा आ जाएगा, फिर दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक किराड़ा हिसार में, हरियाणा में एक किराड़ा नाम का गांव है, वहाँ का एक सैनी माली जो है इंट्रावेनस हीरोइन के नाड़ में इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया। उसका एक बहनों ही मेरे बेकार में रहता है, उन्होंने कहा जी ऑल इंडिया ने कह दिया, ले गए ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली। उन्होंने कहा जी ये 2 साल में मर जाएगा, और छुटवा देगा 10 दिन मर जाएगा। उस प्रताप सिंह ने कहा जी मेरा सड़ा है, यहाँ
वो आया, मेरा स्टार्टिंग का टाइम था, दीक्षा ली, उसी दिन से वो गोलियां बंद हो गई, इंजेक्शन बंद हो गए। डॉक्टर ने मुझे कहा कि जो 10 इंजेक्शन इंट्रावेनस खाला है वो जी नहीं सकता हमारे साइंस का। मैंने कहा वो केरला में जाओ, ट्रैक्टर चला रहा है, तो सारे नशे छूट रहे, अफीम के नशे छूट रहे, भांग के नशे छूट रहे, नाम के नशे के आगे तो शारीरिक रोग खत्म, मानसिक रोग खत्म, तो नशा छुट्टी। अब आज क्या है, सभी कलयुग है, कलयुग में तो सभी धर्मों की एक ही स्थिति होती है, समझे नहीं समझा? तो जितने भी गुरु है सभी धर्म गुरु, हम कहते हैं राम ने किया, कृष्ण ने किया, सत्युग में चले जाओ, ईसा ने किया, मूसा ने किया, मोहम्मद ने किया, महावीर ने किया, बुद्ध ने किया, उन्होंने किया, पीछे देखने की बात कर दी, आगे देखने की बात कोई नहीं करता। केवल एक हमारा आपातदर योग दर्शन है, मगर उसमें जो बात है वो नहीं बोलते। 336 दो सूत्र है, उसमें पातन ऋषि ने कहा है साधक ध्यान और समाधि की स्थिति में मतलब पांच प्रकार की सिद्धियां उसको होती है। पहली सिद्धि है कि ये आंख खोलते हैं आप अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर देखोगे सुनोगे। एक रिलीजियस रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड की किताब है मेरी अंग्रेजी एडिशन, उसमें मैंने ईसाइयों को कहा है कि हमारा योग दर्शन है वो अनलिमिटेड पास्ट भी दिखाता है, फ्यूचर भी दिखाता है। वो बाइबल वाला ईसा था ना, ईसा वो 18 साल गायब रहा, उनके बाइबल में लिखा, बाइबल में लिखा है कहाँ रहा हमको नहीं पता। 12 साल की उम्र में वो इजराइल से निकल गया और 30 साल की उम्र में वापस प्रकट हुआ भाई। तो मैंने कहा बेर से दीक्षा लो, जीवन कहाँ जन्मा, 18 साल कहाँ रहा और इसराइल में कैसे क्रूसीफाई, वो कहते क्रूसीफाई वेरीफाई नहीं होता है ऐतिहासिक ढंग से। मैंने कहा आपको दिख जाएगा, वो किताब मैं अमेरिका में बहुत भेजी है और नेट में भी है, वो इस रिलीजियस रिवोल्यूशन इन दी वर्ल्ड केवल इंडिया में नहीं। अब वो दिक्कत तो उनको ये है कि तो हिंदू है। मैंने उन्होंने कहा मैं आपको हिंदू नहीं बनाऊंगा, ईसाई बने रहो। जिसको आप भगवान का बेटा कहते हो 3 साल रहा, 30 से 33 साल तक आपने उसको मार दिया। अब तो नहीं, मेरे पास पहले भी कदम आते थे। मैंने कहा अब तुम क्या कह रहे हो कि एक बात रहो ईसा जो है भगवान का बेटा था, पहले आपके पूर्वजों ने मार दिया, तो अब आपको भी वही सजा होनी चाहिए, क्यों कह रहे हो ईश्वर का पुत्र था। अब तो नहीं आते, वो पहले पहलाते थे, अब तो डरते, बात ही नहीं करते मेरे। यहाँ एक पादरी है सरदारपुरा में, लोकेश सिंह मेरे शिष्य थे, वो उनके पास गए तो कहा चलो मिले, मिलो गुरु जी से। उसने कहा लोकेश जी मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, जो आपके गुरु जी कह रहे हैं ना वो 100% सत्य है, मगर वो हिंदू है, वो हिंदू है। तो एक ऐसा विचित्र परिवर्तन आ रहा है, जब आप अनलिमिटेड फ्यूचर देखोगे, पास तो देख लिया। बुद्ध ने अपने जन्म में कोई 300 बार जो है 300 जन्मों में पास देखा है। बुद्ध ने कहा कि गया अपने आनंद को शिष्य को कि तुम्हारे निर्वाण के लिए तुमको ही कोशिश करनी पड़ेगी, न मैं आपको कुछ दे सकता न और कोई दे सकता, समझे? तो ये जो प्रकट हो रहा है धर्म और इसी सूर्य नगरी से प्रकट हुआ, मैं रहने वाला बीकानेर का हूँ। मेरे गुरु ने आदेश दिया कि बेटा अपने जन्मभूमि में कोई मान्यता नहीं होगी, यहाँ मान सिंह जो नाथों के शिष्य थे यहाँ आया तो यहाँ बहुत रिस्पॉन्स मिला मेरे को। तो इस प्रकार ध्यान के दौरान आपने अनलिमिटेड फ्यूचर देख लिया, जन्मना मरना घात प्रतिघात सब मतलब देख लिया फ्यूचर। तो फिर गड्ढा भी देखेगा, पत्थर भी देखेगा, ठोकर नहीं खाओगे, मतलब ये एक ऐसा क्रियात्मक योग है, इससे आदमी किस ए टू जेड समस्या में कांत होता है। एड्स और कैंसर खत्म कर दिया, मैं वहां दिया कोई 10 डॉक्टर को,
और यहां मैंने भेजा हुआ है, वसुंधरा को दिया हुआ है, मगर ये तो मतलब एक मतलब निर्दय कह सकता हूं इनको, मालूम है मैं क्या कर रहा हूं, या तो सजा करनी चाहिए या मैं कहता हूं उस पर रोक लगानी चाहिए, समझा। अब तो लाइव टेलीकास्ट होने लगे आकाश में, इसकी तो अब इनकी जरूरत नहीं मेरे प्रचार की। तो इस प्रकार ध्यान करोगे, नाम जप करोगे, यहां मुझे देखना, आपको फ्यूचर दिखेगा, घात प्रतिघात मरना जन्मना सब दिखेगा। मैंने जैसे कब फ्यूचर दिखेगा, आपने भी ध्यान के टेप में प्रार्थना की मुझे दिखना चाहिए और दिख गया, सबका दिखेगा, 10-20-30 का दिखा देते कोई बात नहीं, क्या है, खुद वाला दिखा, खुद वाला दिखा तो मौत, मौत से सब डरते हो, और ये भी जानते हो बच नहीं सकते, फिर डरते क्यों। जब वो आई सामने मौत आएगी तो घबराएगा, भगवान से प्रार्थना करेगा, प्रभु मैं तो बेवकूफ था, इसी तरह से इसको बचा। मैंने भी गायत्री से प्रार्थना की थी, सवाल बचा लो वो भी, समझे न समझे, और मैंने उसको मार के उसको मार दिया। वो मेरे शिष्य भी वही पावर यूज करेंगे मेरी, मैं तो ट्रांसफर कर रहा हूँ मेरी पावर, तो जो आए मौत सामने आंख बंद करके प्रभु मैं तो बेवकूफ था, मुझे बचा ले। वो तो ऊपर बैठा था, आंख पलक उठते ही वो या आ जाएगा, उससे साक्षात्कार हो जाएगा, उस अवतार से जब साक्षात्कार हो गया फिर तो दूसरी मौत नहीं आई, एक तो आएगी। ईसा ने जब दोबारा लौटा एक बात कही है, एक्सेप्ट ए मैन बी बोर्न अगेन ही कैन नॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड। मैंने उन्होंने कहा बी बोर्न अगेन तो हिंदू सिद्धांत है, पहला जन्म 8 मास का जन्म माता पिता से होता है, दूसरा गुरु की मंत्र दीक्षा से होता है, तो बी बोर्न अगेन तो इंडियन थ्योरी है, तुमको कहां से मिली, आओ मेरे पास मैं आपको अनलिमिटेड पास दिखाऊंगा। ईसा कहां जन्मा और 18 साल कहां रहा और कहां जाके मरा, आपको डेट वाइज दिख जाएगा। वो परेशान है, उस पादरी ने भी कहा जी हिंदू है तो हिंदू तो ही हूं, और छाती ठोक के कहता हूं मैं हिंदू हूं और हिंदू धर्म का असली स्वरूप दिखा रहा हूं, असली स्वरूप दिखा रहा हूं, समझे। इसमें एक मुद्रा और लगती है, खेचरी मुद्रा, खेचरी मुद्रा, उसको हमारे ऋषियों ने अमृत कहा, खेचरी मुद्रा रस टपकता है उसको अमृत, अमृत कहा है। गोरखनाथ जी ने कहा गगन मंडल में ऊंधा कुआ कहाँ अमृत का वासा, सुगरा हुए भरभर पीवे निगरा जाए प्यासा। तो अमृत है तो भाई यही जन्म आखिरी है, समझे न समझे। एक और उन्होंने कहा जल बीच कुंभ, कुंभ भी जल है बाहर भीतर पानी, मतलब मट्टी का घड़ा है पानी से बराबर, पानी के अंदर रख दो, तालाब में रख दो, समुद्र में रख दो, तो घड़े में पानी बाहर भी पानी, जल बीच कुंभ, कुंभ बीच जल है बाहर भीतर पानी, विघटा कुंभ जल जल ही समाना ये गति विरले न जाने। अरे घड़ा गड़ गया तो ये बैठे हो ना लिए घड़ा, ये तो घड़ा भाई बड़े गड़ेगा, सबका गड़ेगा, अगर इसको दोबारा नहीं बढ़ने देना चाहते तो नाम जप। के गुरु ने कहा बेटा ये जब तो जपने लग गए, फिर वो बंदी नहीं हुए, और दासी ने कहा अब कैसे छूटे नाम रट लागे, अब कैसे छूटे नाम रट लागे। अच्छा महर्षि अरविंद ने कहा है कि इस धर्म का, इस देश का उद्धार 2 मंत्र करेंगे, पहला वंदे मातरम, 1906 में अखबार निकला था बंगाल से वंदे मातरम, अंग्रेजों की नींव हिला दी थी, और मुझे बड़ा अफसोस है कि हमको प्रार्थना में वंदे मातरम में नहीं बोलने दिया था इसी हिंदू राष्ट्र में। दूसरे के लिए कहा है वो संजीवनी मंत्र, हनुमान जी लाए थे संजीवनी मुंडी, लक्ष्मण बेहोश हुआ था मरा नहीं था, तो मैं उसी के राधा और कृष्ण के नाम की दीक्षा देता हूं,
और आप सुन रहे हो उसको, नाम निरंतर जपोगे तो चाहे एड्स है, कैंसर है, हेपेटाइटिस भी है, उसे नहीं मरोगे, समझे, उससे नहीं मरोगे। औरतें महीने में 30 दिन ध्यान कर सकती है, वो बीज मंत्र है, कह आधा लेबे मिलावा बड़ी की मात्रा और बिंदी क्लिंग गए, संस्कृत में कई क्लिम मैं बोलते मैं नहीं क्लिंग गए, ए के ऊपर बिंदी लगते अंग हो जाता ना, और आप अभी मन ही मन अंग अंग बोलो तो यहाँ स्ट्रोक लगेगा, वो तो यहाँ बैठा है, बाहर नहीं है, तो बार बार इसमें क्लिंग क्लिंग आएगा। अच्छा क्लिंग रिपीट होने में असुविधा, हमारे संतों ने इसको जपने का तरीका बताया, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, तो जपो क्लिंग कृष्ण क्लिंग, राउंड दिख लो जपो, शुरू कर दो ध्यान, आंख बंद कर लो, या जहाँ आप लोग बिंदी लगाते हो वहां मुझे देखो, मन ही मन जपो और जीव नहीं ले, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, Jimmy.
ध्यान करो तो यहाँ आगे चक्कर मुझे देख के प्रार्थना करके बैठा करो, इतनी देर ध्यान करना है, नहीं तो घंटा भर ध्यान नहीं खुलेगा। 15 मिनट फिर बैठ जाओ और चट्टी वट्टी जाके नहा दो, सूर्योदय से पहले करो तो ज्यादा ठीक रहेगा।